हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से एक नई और एक अच्छी वीडियो के साथ मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं एक ऐसी वीडियो के बारे में, एक ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के बारे में दोस्तों, जो आपके लिए रियल में बहुत ही ज़्यादा काम की होने वाली है, खासकर उन लोगों के लिए जो इससे ग्रस्त हैं, जो इस समस्या से परेशान है। दोस्तों, क्या है वो समस्या, जिसका नाम है दोस्तों गायनेकोमेस्टिया। एक ऐसी डिजीज है दोस्तों, जो आज के समय में ज़्यादातर युवाओं के लिए, ज़्यादातर उन लोगों के लिए जिनकी बॉडी के अंदर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है, उन लोगों के लिए ज़्यादा परेशान कर रही है। क्या है गायनेकोमेस्टिया, ये बात आज मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा दोस्तों, क्या है इसके लक्षण तथा हम इसका कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। दोस्तों, एक भाई ने कमेंट करके मुझे इस चीज़ पर वीडियो बनाने के लिए कहा था, तो मैंने थोड़ा समय लिया, लेकिन आपके लिए वीडियो लेकर मैं हाजिर हूं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन के लिए जरूर प्रेस करें, जिससे मेरी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के लिए शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ दिस वीडियो। दोस्तों, गायनेकोमेस्टिया है क्या? ज्यादातर आपने देखा होगा कि जो युवा 18 से लेकर 30 साल की एज में है और उनकी ब्रेस्ट के अंदर जो टिश्यूज होते हैं उनमें सूजन आ जाती है, ये जरूरी नहीं है 18 से 30 साल की एज में ही हो। ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल व्यक्ति हैं जो ओवरवेट हैं, उनके लिए भी समस्या क्रिएट हो जाती है। उनकी जो ब्रेस्ट है उनके टिश्यूज में सूजन आ जाती है और कभी कभी सूजन की जगह गांठ भी बन जाती है। तो ये समस्या गायनेकोमेस्टिया के लक्षण में आती है दोस्तों, ये समस्या गायनेकोमेस्टिया है। और यही कारण है दोस्तों, ज़्यादातर इसका ट्रीटमेंट जो इलाज है वो इसके लिए ज़्यादातर बताया गया 80% डिजीज में कि ये ऑटोमेटिकली ही ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों की जिनकी नहीं हो पाती उनके लिए ज़्यादातर जो मेडिकल साइंस है उसमें जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो एक ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाता है दोस्तों, इसका नाम है सर्जरी। सर्जरी करते समय जो गांठ होती है उसको निकाल कर वहाँ के लिए नॉर्मली मेडिसिन देकर, नॉर्मली इंजेक्शन देकर उस समस्या के लिए नॉर्मल बना दिया जाता है और आगे चल के वो समस्या ठीक भी हो जाती है। काफ़ी जगह ये भी देखने को मिला है दोस्तों, गायनेकोमेस्टिया होती क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आपके ब्रेस्ट पर ही गायनेकोमेस्टिया की प्रॉब्लम हो, वो जरूरी नहीं है कि अगर आपके ब्रेस्ट पर ही गांठ है तभी आपके लिए गायनेकोमेस्टिया है। वो गांठ आपकी स्किन में भी हो सकती है, वो हाथ पे भी हो सकती है, वो पैर पे भी हो सकती है, वो आपके चेहरे पर भी हो सकती है। दोस्तों, इस ये होती क्यों, उसके पीछे कारण क्या है, बहुत सारी मैंने मेडिकल बहुत सारी रिसर्च बहुत सारी स्टडी के बाद में ये क्लियर हुआ है दोस्तों, इस समस्या के पीछे सबसे बड़ा जो कारण होता है वो अत्यधिक मेडिसिन होता है, और मेडिसिन में भी स्टेरॉयड मेडिसिन। आज के समय में ज़्यादातर जो लोग मेडिसिन को बहुत लंबे समय से खा रहे हैं और उनमें स्टेरॉयड मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, अत्यधिक स्टेरॉयड लेने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी गायनेकोमेस्टिया हो जाती है दोस्तों। दूसरा है दोस्तों, अत्यधिक अल्कोहल, जब हम अत्यधिक अल्कोहल लेते हैं तो भी हमारे लिए ये समस्या हो सकती है दोस्तों। अगला कारण है कि अगर हम अत्यधिक फास्ट फूड को लेते हैं फिर भी हमारे लिए समस्या हो सकती है। बहुत सारे कारण है दोस्तों गायनेकोमेस्टिया के। अब एक सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो आयुर्वेद में है दोस्तों, जो बहुत ही ज्यादा परमानेंटली सॉल्यूशन है। अगर आपने इसकी चीज के बारे में नहीं जाना है तो आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं तीन ऐसे फार्मूले आपके लिए देने वाला हूं कि आप गायनेकोमेस्टिया से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं दोस्तों। सबसे पहला है दोस्तों नॉनी फल, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है मोरिंडा सेट्रोफिलिया। इसका काम होता है दोस्तों, बॉडी के अंदर किसी भी सेल या टिश्यूज के लेवल पर अगर बॉडी के अंदर सूजन है या फिर गांठ है, किसी भी प्रकार का बॉडी के अंदर जख्म है, उन सब समस्याओं को ये सॉल्व कर देती है। इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी, जेरोनाइन, प्रोजेरोनाइन, कई प्रकार के ऐसे एलिमेंट होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर आने वाली इस दिक्कत को बहुत आसानी से सॉल्व कर देते हैं तथा हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए भी बूस्ट करते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नॉनी, नॉनी फल होता क्या, आज आप शायद पहली बार सुन रहे हैं तो मैं बता दूं आपके लिए, इससे रिलेटेड आप इंटरनेट पर बहुत सारे वेब पेज अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानकारी ले सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, यूट्यूब पर भी इससे रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट है, आप उसे भी देखकर इसकी जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। दूसरी चीज़ है आज जो मैं आपके लिए बताने वाला हूँ वो है जो हर किसी के घर में हर किसी के परिवार में होती है, जिसका नाम है हल्दी दोस्तों। हल्दी के अंदर वैसे तो एक नॉर्मली ये चीज़ होती है, लेकिन हम इस चीज़ की कभी वैल्यू नहीं समझते हैं, ये घर में पाई जाती है इसलिए हम इस चीज़ की वैल्यू नहीं समझते हैं कभी, और काफ़ी हद तक इस चीज़ भी, क्योंकि हमें जानकारी का अभाव होता है और हम इसके गुणों के बारे में सही तरीके से वाकिफ नहीं होते। हल्दी के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी जो होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर आई जख्म, आई जो कभी कभी होता है ऐसी चोट हो जाती है, जैसे अंदरूनी सूजन जब आ जाती है, हमारे मसल्स में सूजन आ जाती है, मसल्स में अड़कन आ जाती है, तो वैद्य हकीम लोग दूध में हल्दी को ऐड करके पीने के लिए बोलते थे। क्यों दोस्तों, अंदर की जो रिपेयरिंग होती है, इंटरनली जो रिपेयरिंग होती है, वो हल्दी के अंदर ऐसे गुड़ होते हैं वो बहुत तेज़ी से कर देती है, जिससे हमारे लिए इंटरनली जो सूजन है या गांठ है तो वो बहुत आसानी से दूर हो जाती है। अगर आप प्रिवेंट होना चाहते हैं फिर भी दोस्तों नुकसान नहीं देता, ये एक ऐसी न्यूट्रिशन की तरह है आपके लिए, अगर डिजीज़ है फिर भी ले सकते हैं और डिजीज नहीं है तो भी ले सकते हैं। लेकिन अगर हम हल्दी का सेवन करते हैं, एक चम्मच हल्दी का सेवन एक गिलास दूध के साथ में करते हैं, तो हमारे लिए ये समस्या दूर
हम आसानी से कर सकते हैं। तीसरा है दोस्तों प्राणायाम। हम जितना ज्यादा प्राणायाम करेंगे उतना ही ज्यादा हम अपनी बॉडी के लिए इंटरनली रूप से मजबूत करेंगे। दोस्तों पत्थर जैसी बॉडी, पत्थर जैसी हमारी इम्यूनिटी जब होगी तब हमारे लिए भयंकर से भयंकर बीमारियां भी आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। तो इसीलिए बहुत जरूरी हम ज्यादा से ज्यादा इस डिजीज में प्राणायाम करें। प्राणायाम से हमारे लिए बहुत सारे रिजल्ट देखने को मिले हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।